These days, a lot of people are choosing cycling as a beginner and as a beginner होने के वजह से काफी कम information होती है लोगों के पास कि वो market में जाके correct size के bike को choose कर सके and that is one of the common reason कि काफी सारे लोग गलत size के bike को अपने लिए choose कर रहे हैं and गलत size के bike से मेरा मतलब उनके wheel set से नहीं है but उसके frame size से है। So आज के इस video में मैं आप सभी के साथ share करूँगा बहुत ही common बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप अपने लिए एक राइट साइज के बाइक को चूज कर पाओगे। Hey guys, my name is Vishu. I welcome you all to my channel Cycle Rider Roy. If you are watching my videos for the first time, make sure कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसमें आप ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिए। नाउ जब भी आप अपने लिए एक न्यू बाइक को खरीदने जाते हो, इट डज नॉट मैटर कि आप एक 26 इंच के बाइक को खरीदने के लिए जा रहे हो, 27.5 को ले रहे हो या 29er या फिर आप रोड बाइक या फिर हाइब्रिड के बाइसिकल्स को खरीदने के लिए जा रहे हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है जब आप अपने लिए एक न्यू बाइक को चूज करो वो होता है उसका फ्रेम साइज। बिकॉज आप फ्यूचर में बहुत इजीली अपने बाइक के हैंडल बार, उसके स्टेम, उसके सैडल, उसके क्रैंक, एवरी पार्ट को आप चेंज कर सकते हो। हाउएवर जो फ्रेम होता है आपके बाइक का वो ही आपके बाइक को पूरी तरीके से बनाता है एंड बिल्ड करता है एंड उसका करेक्ट साइज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आप अपने बाइक के फ्रेम साइज को ही गलत चूज करोगे तो आने वाले टाइम में आपको इनकरेक्ट राइड मिलती रहेगी एंड आपको आपका परफॉर्मेंस सबसे टॉप लेवल पे नहीं मिलेगा। नाउ एक बाइसिकल का जो फ्रेम साइज होता है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसको मेजर किया जाता है आपके बाइसिकल के बॉटम ब्रैकेट के सेंटर पॉइंट से लेके जहां पे आपका सीट पोस्ट लगा होता है यहां ऊपर तक, वहां तक के लेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो वो आपके बाइक का जो पूरा फ्रेम साइज होता है उसको वो पूरा बताता है। नाउ सो फॉर एन एग्जांपल अभी अगर मैं अपने फ्रेम साइज को मेजर करता हूं तो मेरा जो फ्रेम साइज यहां पे आ रहा है दैट इज 15.5 जो कि मेरे लिए सबसे आइडियल फ्रेम साइज है एज पर माय हाइट। एंड ये जो फ्रेम अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हो दिस इज द ओल्ड फ्रेम जो मेरा सबसे पहला बाइक था रैले टेरेन 10 जो मैंने एज अ बिगिनर खरीदा था एंड शॉपकीपर ने मेरे को गलत साइज का बाइक पकड़ा दिया था जिसके वजह से मेरे को काफी ज्यादा इश्यू हुए थे। ये उसी बाइक का फ्रेम है। तो अभी आपने पीछे देखा कि जो मेरी इमोशन वन है उसका जो फ्रेम साइज था वो था 15.5 इंच जो कि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट फ्रेम साइज है मेरे लिए। एंड इस फ्रेम के साइज को भी हम मेजर कर लेते हैं, देखते हैं कि इसका जो साइज है वो क्या आ रहा है। लेट मी शो यू, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो फ्रेम साइज था वो मेरे लिए कैसे गलत था, जिससे आपको भी काफी हेल्प मिल सकती है। तो नाउ सो करेंटली अगर मैं अपने पुराने बाइक के फ्रेम साइज को मेजर करूं तो इसका फ्रेम साइज आ रहा है ऑलमोस्ट 19.5 इंचेस। तो आप देख सकते हो कि 15.5 से 19.5 इंचेस मतलब ये जो फ्रेम साइज है ये मेरे लिए कितना गलत फ्रेम साइज था। एंड फॉर दी एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये जो फ्रेम साइज है मेरे ओल्ड वाला एंड जो मेरा करंट बाइक है उसमें आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है, जिसके वजह से ये जो इनकरेक्ट फ्रेम साइज था ये मेरे को काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट करता था जब मैं राइडिंग करता था। सो गाइज नाउ लेट मी शेयर कि आपके लिए कौन सा बेस्ट फ्रेम साइज रहेगा अगर आप अपने लिए एक माउंटेन बाइक खरीदना चाहते हो तो। तो अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर से लेके 163 सेंटीमीटर के बीच में है तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट फ्रेम साइज रहेगा वो रहेगा स्मॉल। एंड अगर आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर से लेके 173 सेंटीमीटर के बीच में है तो आपके लिए सबसे बेस्ट फ्रेम साइज रहेगा मीडियम। एंड अगर आपकी हाइट 172 सेंटीमीटर से लेके 183 सेंटीमीटर के बीच में है तो आपके लिए सबसे बेस्ट फ्रेम साइज है लार्ज। एंड अगर आपकी हाइट 183 सेंटीमीटर से लेके 193 सेंटीमीटर के बीच में है तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट फ्रेम साइज है वो रहेगा एक्स्ट्रा लार्ज। एंड इफ यू आर अ फीमेल और आप अपने लिए एक माउंटेन बाइक को खरीदना चाहते हो तो अगर आपकी हाइट 145 सेंटीमीटर से लेके 153 सेंटीमीटर के बीच में है तो आप एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के फ्रेम साइज को खरीद सकते हो। एंड अगर आपकी हाइट इससे ऊपर है तो मैंने जो अभी पीछे हाइट साइज के अकॉर्डिंग जो मैंने फ्रेम साइजेस को बताए हैं आप उनको चूज कर सकते हो। नाउ इफ यू वांट टू बाय अ करेक्ट साइज रोड बाइक तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप किसी वॉल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए, अपने लेग्स को 15 से 20 सेंटीमीटर वाइड ओपन करके आपके ग्रॉइन एरिया से लेके आपके ग्राउंड तक का जो पूरा लेंथ है उसको आप मेजर कर लीजिए एंड उस इनसिम मेजरमेंट को आप 0.70 से मल्टीप्लाई कर लीजिए
जिससे आपका राइट साइज फ्रेम आपको पता चल जाएगा। सो गाइस मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ जिसको इस वीडियो की जरूरत है, ताकि वो भी एक राइट साइज के बाइक को चूज कर सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो बेल बटन है उसको आप प्रेस करके रखिए अगर आपको साइकिलिंग पसंद है तो। एंड कुछ कूल स्टफ अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @cycleriderroy वहां पे जरूर फॉलो करना, बहुत मजा आने वाला है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेके। अंटिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।